हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम करेंगे एक नंबर इक्वेशन एप्लीकेशन का, जो कहता है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 66। अब यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या होता है ये, तो इसमें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जब भी वो टू डिजिट नंबर की बातें करेगा तो इट इज अ नंबर जो हमारा टू डिजिट का होता है, और अगर वो सिर्फ डिजिट्स की बातें कर रहा है इसका मतलब वो उसके जो रिस्पेक्टिव डिजिट्स है यानी यूनिट्स प्लेस का डिजिट्स और टेंस प्लेस का डिजिट्स। अगर इसके अंदर मैं ले लूं कि भाई लेट द टेंस प्लेस, जो मेरा टेंस प्लेस का डिजिट है, टेंस प्लेस वाला जो डिजिट है वो मैंने ले लिया एक्स, और जो मेरा यूनिट्स प्लेस वाला डिजिट है, यूनिट्स प्लेस वाला जो मेरा डिजिट है उसको ले लिया मैंने वाई, तो हम जानते हैं अगर हमारा कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल हमारा नंबर है 36, तो इसमें यूनिट डिजिट पे जो है वो तो है 6 और टेंस डिजिट पे वो है 3। तो हम नंबर कैसे ऑब्टेन करते हैं? हम सिंपल बात है, जो हमारा टेंस प्लेस पे जो है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो हमारा यूनिट प्लेस है उसको हम ऐड कर देते हैं, तब हमारा जो नंबर आता है वो आता है 36। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे, हमारा जो टेंस प्लेस का डिजिट वो एक्स है, यूनिट प्लेस का जो है वो वाई, तो हमारा जो नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 10x प्लस वाई। ये टेंस प्लेस पे था इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया और यूनिट्स प्लेस पे था इसको हम y के साथ ऐड कर लिया। अब आप देख रहे हैं क्यों कह रहा है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो ये टू डिजिट नंबर हो गया एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, तो यानी x को y ले लूं और y को x ले लूं, तो मैं देखिए मेरा जो नंबर आ जाएगा वो आ जाएगा 10y plus x, क्योंकि मैंने इनको रिवर्स कर दिया। वो बोल रहा है इन दोनों का सम जो है ना वो मेरे को 66 के इक्वल दे रखा है, ऐसा वो कह रहा है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगा हमारा 11x plus 11y is equal to 66 और x plus y जो आ जाएगा वो आ जाएगा मेरा 6, 11 कॉमन आके नमस्ते हो जाएगा। अब वो कह रहा है सेकंड इक्वेशन के लिए इफ टू डिजिट्स डिफर बाय 2, यानी दोनों डिजिट जो है वो क्या कर रही है 2 से डिफर कर रही है, मतलब 2 का डिफरेंस है उसके अंदर, यानी अगर हम x माइनस y लें तो वो हो जाएगा हमारा 2। अब इसके अंदर मेरे को कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम इसको उल्टा भी तो ले सकते थे, y माइनस x इज इक्वल टू 2 भी तो ले सकते थे, क्योंकि हमारे को मालूम नहीं कौन सा बड़ा नंबर है। बिल्कुल करेक्ट, वो हमारा दूसरा केस होगा जिसके अंदर हम पहली इक्वेशन तो यही रखेंगे x plus y is equal to 6 और दूसरी इक्वेशन ले लेंगे y minus x is equal to 2, क्योंकि हमारे को मालूम नहीं है कि कौन सा नंबर बड़ा है। अब देखिए अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x is equal to 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरी 4, x की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर देंगे तो मेरा y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो अगर टेंस प्लेस पे 4 है और यूनिट प्लेस पे 2 है तो मेरा जो नंबर है वो हो जाएगा मेरा 42। और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x से x की नमस्ते हो जाएगी, 2y is equal to 8 आ जाएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये वाला जो नंबर हो जाएगा मेरा हो जाएगा 24। यानी ऐसे दो नंबर्स पॉसिबल हैं जिसके साथ ये कंडीशन हमारी वैरी करे। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है, अगर फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।